मैं पचास साठ घंटे काम करने के लिए लोगों को कहता था लेकिन जैसे ही मैंने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया एक्स का, मैं कहता हूँ 120 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए तो इसलिए हमने अपनी कंपनी में 2023 ट्वेंटी एक और नया काम शुरू किया और वो किया है कि सम uh, चैलेंजेस तो आपने बताए हैं आपकी लाइफ के जब आपने एक समय पे सोचा कि यार हम ईवी स्पेस को डोमिनेट करेंगे बिकॉज मेरे हिसाब से आप डोमिनेट ही करना चाहते हैं हैं काफी सारे लोग जो अपना बिजनेस रन करने की कोशिश करें स्टार्टअप चालू करने की कोशिश करें ऐसे लोगों को आप कौन से वो तीन से चार सजेशन देना चाहेंगे आपके अनुभव से सर्वटक का लिए आप आने वाले समय में विजन क्या देखते हैं मतलब इस कंपनी को आप कहां लेके जाना चाहते हैं कहां देखते हैं ईवी एक ऐसा सेक्टर है जिसका बज ऑलमोस्ट हर जगह पर है और ऐसे में अगर मैं एक ऐसे शख्स जो इतने ज्यादा अनुभव ले चुके हैं बीस साल से ज्यादा का अनुभव जिसको आंट्रप्रिनशिप में ऐसे को लेके आऊँ तो आप लोग क्या कहेंगे वेल well, आज मैं एक ऐसे ही शख्सियत को लेके आया हूँ जी हाँ जो कि एक लिस्टेड कंपनी के ओनर है और मैं लेके आया हूँ अपने साथ रमन भाटिया सर रमन जी कैसे हैं आप मैं बहुत बढ़िया हूँ जी अभिषेक जी थैंक यू एंड uh, आज आपकी जर्नी के बारे में तो हम जानेंगे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जितना हो सके आपकी कहानी से वैल्यू हम ऐड कर सकें और निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है सो so, रमन जी सबसे पहली चीज़ हाल फिलहाल में एलॉन मस्क का एक स्टेटमेंट हम देख रहे थे एलॉन मस्क ये कहते हैं कि जब उनने एक्स लिया तो वो कहते थे कि यार पहले मैं 50-60 घंटे काम करने के लिए लोगों को कहता था लेकिन जैसे ही मैंने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया एक्स का मैं कहता हूँ 120 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आंट्रप्रनोरशिप की दुनिया में ना लोगों के जो हैबिट्स होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि आप कितने अच्छे एक आंट्रप्रनर बनोगे एक जगह पर हाल फिलहाल में आपने सुना होगा नारायण मूर्ति जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कुछ समय पहले कि लोगों को और काम करना चाहिए और काम करना चाहिए मैं पहले आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा क्या सही में बहुत ज्यादा मेहनत करने से ही आपके जैसे आप जिस मुकाम पे आज पहुंचे हो तब पहुँच सकते हैं या फिर कोई दूसरा तरीका शॉर्टकट भी होता है इधर पहुँचने का मैं मैंने भी ये सारी स्टेटमेंट सुनी है बट मेरा ओपिनियन शायद और लोगों से बहुत अलग है मैं अलग तरीके से सोचता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये मेरा ओपिनियन है मेरी Uh, मेरी सोच है और हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर हम आज से 200 साल पीछे सोचें तो 200 साल पहले अगर हमें दिल्ली से लखनऊ जाना हो तो बैलगाड़ियाँ होती थी तो वही सफ़र हमको तय करने में दो दिन तीन दिन लगते थे इसके बाद चेंज हुआ कुछ अच्छे तरीके की गाड़ियाँ आ गई कुछ और चीज़ें बदली तो उससे वही टाइम एक दिन डेढ़ दिन लगता था फिर ट्रेन आ गई तो और कम टाइम लगता था फिर कारें आई और अभी फ्लाइट्स की बातें करते हैं तो हम 30-40 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं मेरा मानना है कि हमें इस पे दिमाग लगाना चाहिए कि हम लीवरेज कैसे कर सकते हैं दैट इज कार्ड लीवरेज मकैनिज़म भाई अगर हम दिमाग लगाएं तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं अट्ठारह घंटे बैठ के भी क्या कर लूँगा या बीस घंटे बैठ के भी क्या कर लूँगा अगर मैं उसको कम टाइम में करने के मकानिज़म क्रिएट कर लूँ राइट तो शायद ये चीज़ें बहुत कम टाइम में भी हो सकती हैं तो टाइम एज अ पर्सन बढ़ाना और अपनी लाइफ को डिसबैलेंस करना इससे मैं पूरी तरह डिसएग्री करता हूं ओके okay, तो आप कहते हैं बैलेंस बना के चलो और लेवरेज लो आपके आसपास जो चीजें हो लेवरेज लो लेवरेज की आपने जब एक बात छेड़ी है मेरा आपसे एक सवाल है आप इतनी बढ़िया कंपनी सर्वोटेक चला रहे हैं आपने कभी अपनी कंपनी के लिए लेवरेज लिया है ऑब्वियसली अब आप मैं अपने जवाब को देने से पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि लेवरेज से आपका क्या मतलब है आप किस चीज की लेवरेज की बात कर रहे हैं आप एम्प्लॉई पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं मतलब देखिए कंपनी का जब मैंने सवाल पूछा तब तो मैं ऑब्वियसली डेट के हिसाब से पूछ रहा हूं कर्जे वाली चीज लेकिन मैं दूसरे तरफ से भी पूछ रहा हूं मैं कंबाइंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी आपने खुद नहीं खड़ी कर दी है पूरी तरीके से या उसके पीछे भी कोई थी। तो मैं पूरी वो स्टोरी को समझना चाहता हूँ कि तो तो एक एक, एक तो मुझे नहीं लगता ऐसी तो मैं उस पूरी जर्नी को समझना चाहता हूँ और उसमें क्या क्या लेवरेज चीजें रही जिनने आपको पुश किया वो मैं जानना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ बड़े मजे की बात कि जब मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स किया तो हमारे जब फाइनली जिस दिन आपका लास्ट डे होता है तो हमारे प्रिंसिपल ने एक क्लास ली उन्होंने हमें दो तीन चीज़ें बताई जिसमें जिसको मैंने उसी तरीके से लिया अगर आप देखें तो पुराने जमाने में औरतें होती थी तो जब उनको कोई बात याद रखनी पड़ती थी वो अपनी साड़ी में एक गांठ मार लेती दुपट्टे में याद रहे ठीक है तो क्योंकि रिमाइंडर के नहीं था उस टाइम रिमाइंडर का को कोई तरीका नहीं था सेम ऐसे ही उन्होंने जो बातें बताई उसको मैंने अपनी ज़िंदगी में गांठ मार ली तो उन्होंने दो तीन चीजें बताई पहला उन्होंने कहा कि अगर अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो समझो ज्यादा करो कम समझो ज्यादा करो कम डेट मीन प्लानिंग पे पे ज्यादा टाइम लगाओ एग्जीक्यूशन कम जो मुझे लगा जिसने मेरी जिंदगी के अंदर आज मैं जहां भी हूं उसमें बहुत बड़ा रोल निभाया दूसरा था वो ये था कि उस जमाने में इंटरनेट नहीं हुआ करते थे तो मुझे बताया जो उन्होंने दूसरी सलाह दी वो ये दी कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो किताबों से दोस्ती कर दो यानी कि जो गुरु लोग होते हैं वो मतलब ही हो सकते हैं जो आपको सिखा रहा है वो मतलब ही हो सकता है उसका कोई मतलब हो सकता है किताबों का कोई मतलब नहीं तो आप किताबों से दोस्ती कर लो उसके बाद उसकी जगह इंटरनेट ने ले ली फिर ई बुक्स ने ले ली फिर यूट्यूब ने ले ली चीजें बदलती गई लेकिन मैं आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ और आज भी मैं एवरेजली तीस मिनट से पैंतालीस मिनट एवरी पढ़ता हूँ रोज रोज तीसरी जो बात थी जिसमें आपकी लिवरेज की बात आ जाती है वो ये था कि आप कुछ भी सीख लो कुछ भी पढ़ लो कुछ भी कर लो आप मास्टर किसी एक ही सब्जेक्ट की हो सकते हो ज्ञाता बहुत सारे सब्जेक्ट की हो सकते हो समझ आपको बहुत सारी चीजों की हो सकती है लेकिन आप मास्टर बहुत सारी चीजों के नहीं हो सकते तो इट मीन दूसरे कामों को करने के लिए आपको और मास्टर्स की जरूरत पड़ेगी तो बेटर है कि आप टीम बनाओ और लोगों को साथ में जोड़ो ओके तो अगर आप टीम बनाओगे तो लीवरेज होती है ना आपके टाइम की लीवरेज हो रही है मैं अकेला काम मैक्सिमम कितना कर लूंगा आठ घंटे दस घंटे बारह घंटे अट्ठारह घंटे चौबीस घंटे इसके बियॉन्ड तो जा नहीं सकता लेकिन वहां पर भी मैं दो दिन चार दिन पांच दिन में गिर जाऊंगा अल्टीमेटली क्योंकि तो बॉडी को भी रिकवरी करनी है इसकी बजाय वो चौबीस घंटे की बजाय मैं आठ घंटे काम करूं लेकिन अपने जैसे लोगों को ढूंढ के मैं उनके आठ आठ घंटे और डाल दू सिस्टम में तो मेरे से चौबीस घंटे हो गए ना तो ये जो एलन मस्क है या कोई भी है ये एक स्टेटमेंट हो सकती है क्योंकि आज उनके पास इतनी बड़ी टीम है इतने लोग हैं वो उन सबको मोटिवेट करने के लिए हो सकता है उनकी कोई स्टेटमेंट हो मैं उस पर कोई ज्यादा नहीं कमेंट करना चाहता बट मेरा मानना है कि लाइफ बैलेंस नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ठीक है मेरा ना इधर ही लाइफ बैलेंस वाली चीज से एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है है बिकॉज आपने जर्नी बताई तो हम बहुत सारे वेस्ट के जब ये बड़े बड़े entrepreneurs की बात करते हैं तो यूजुअली देखा गया है कि इनके जो घर की स्थिति होती है घर के मतलब मैं परिवार की स्थिति कह रहा हूं उनकी वाइफ्स हो गए मतलब आपने अक्सर सुना होगा चाहे हम जेफ बेजोस की बात कर ले लॉन बस की बात कर ले डाइवोर्स हो रहे हैं बार बार शादियां हो रही है जो भी हो रहा है मतलब दैट इज क्लियरली स्टेटिंग की वो बिजनेस में तो बहुत अच्छे जा रहे हैं लेकिन जब उनकी वाइफ की बात आती है जब उनके बच्चों की बात आती है तो वो वहां पर मेरे टर्म्स में ऑब्वियसली हम दोनों अपने ओपिनियन दे रहे हैं मेरे टर्म्स में वो फेल्ड है उस एरिया में मैं जानना चाहूंगा इफ यू आर ओपन टू दिस थिंग क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को कैंडिड और जो एक रियल बिकॉज उनके पास एक्सेस नहीं रहता रहा कंपनी के एम से बात कर सके तो मेरे पास है तो मैं इस चीज का लेना चाहता हूँ आपका जो ये पूरा जर्नी रहा है इसमें आपके वाइफ आपकी फैमिली का क्या कुछ योगदान रहा है और इफ एट ऑल यू वांट टू टू शेयर सम इंसिडेंट किस प्रकार से रहा वुड लव नो दैट दो बहुत बड़े इंसिडेंट हुए हैं जो बहुत पर्सनल हैं लेकिन आपने जब इस बात को छेड़ा तो मुझे वो दो इंसिडेंट याद आ रहे मैं आपसे शेयर करता हूँ पहला इंसिडेंट है नाइनटीन का हमारी फैक्ट्री में आग लग गई हमारे फादर साहब हमारे साथ होते थे उनकी एक शॉप होती थी उसमें भी आग लग गई सब कुछ जल गया फादर साहब को पैरालिसिस का अटैक हुआ ही इन हॉस्पिटल तो छोटा ब्रदर जो था वो अपने काम देख रहा था तो हो गई कि मुझे जिन लोगों से हमने पैसा लेना था वो अपना पैसा भीख की तरह मांगने से नहीं मिल रहा था तो आप बर्बाद हो गए सबको हमने देने थे, वो सारे आ खड़े हो गए कि पैसा दो तो मांगने वाले खड़े हैं जिनसे आपने लेना है तो ये सिचुएशन थी अब मैं अकेला था तो मुझे नहीं समझ आया मैं कहां से शुरू करूं चार महीने तक मुझे कंपोज की गोलियां खा के भी नहीं आई आती थी समझ नहीं आता था मैं शुरू कहां से करूं मतलब जस्ट लाइक like अगर आप देखें तो पुराने टाइम में ना एक विंडो नाइन्टी फाइव आया करता था जी और टाइम जी, जी जी तो उसमें क्या होता था वो रैम चेक सी डी रोम चेक ये सब होता था जी, और उस टाइम पे अगर कोई भी दिक्कत आती थी वो बार बार रीस्टार्ट होता था तो शायद मेरी भी स्थिति वही थी मैं बार बार रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था बट मैं कहीं पहुंच नहीं रहा था तो लास्ट में मुझे ये समझ में आया कि अगर वाइफ ने कहा कि मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ क्या तो मैंने कहा तू आ जा तो शी वॉज अ हाउस वाइफ वाइफ उसको पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई उसको सेल्स समझाई सिखाई अच्छी बात यह है कि जो मैंने सिखाया उससे ज़्यादा उसने सीखा मैंने शायद कम सिखाया होगा उसने सीखने की ललक में कोई कमी नहीं थी और वो उसने बहुत मेहनत की मेरे साथ और वो 99 से लेके आज मैं जहां पर भी हूं मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं आज जहां पर भी हूं वो उसके बगैर नहीं हो सकता था वहाँ हो आज वो कंपनी की कॉरपोरेट डायरेक्टर है और हमारे बीच में एक तरह का कॉम्पिटिशन चलता है हम हर साल जनवरी के फर्स्ट वीक में पूरे एक साल का प्लान बनाते हैं कितना हम रेवेन्यू करेंगे क्या प्रॉफिटेबिलिटी करेंगे कैसा करेंगे और मार्च आते आते हमारे मुंह पे टेक्निकली मैं इसको बड़े मजाक में ले रहा हूँ हमारे मुंह पे उतने ऑर्डर मार दिए जाते हैं ये आपको एक साल के ऑर्डर दे दिए अब अगला आप बताओ और क्या कर सकते हो आपकी औकात है और लेने की तो ये है एक दोस्तों की तरह लड़ाइयाँ हमारी बहुत होती हैं जब हमारी लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं कि यार इनकी तो लड़ाई है लड़ाई हो रही है इस तरीके से इनके तलाक हो जाएंगे लेकिन बाद में जो देख रहा होता है वो अपने मुंह पे थप्पड़ मारता होगा यार इनका तो कुछ हो नहीं सकता ये साले ऐसे ऐसी है तो हम लड़ते बहुत हैं हमारी बिजनेस भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं आ, लेकिन जो हम हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत करते हैं एंड आज जितनी भी रेवेन्यूज हैं जो भी सेल्स टीम्स हैं सब वही देखती है एंड शी इज टेकिंग केयर एवरीथिंग दैट इज़ द वन एग्जांपल और वो आज बहुत बड़ा पिलर है मेरे लिए दूसरा एपिसोड हुआ 2006 में हमारे साथ 2006 में हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और हमने ये प्लान किया कि हम बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और ये इस प्रोडक्ट के साथ बहुत तेज़ी से आगे जाएंगे बट अनफॉर्चुनेटली वो डिसीजन मेरा गलत हो गया तो जब वो डिसीजन गलत हुआ तो हमें करोड़ों का लॉस हुआ टू थाउजेंड में तो जब वो लॉसेज हुए तो आ, मुझे नहीं पता आप भी कितना एस्ट्रोलॉजी को मानते हो लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल कुछ रीजन निकल गया है जिसमें हमारे सामने बात रखी गई आ, अच्छा उस टाइम मेरे ब्रदर ने मुझे ज्वाइन किया तो हमें किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि रमन जी आपको आप जो लॉसेज हो रहे हैं ये आपके ब्रदर की वजह से हो रहे हैं आपके ब्रदर ने क्योंकि आपको ज्वाइन किया है उसकी वजह से हो रहा है तो बेटर है अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हो तो उसको आप अलग बिजनेस करा दो तो आप शायद बच जाओगे तो फैमिली ने भी मुझे ये समझाया कि यार अगर ऐसा है तो उसको अलग कर दो ये लॉसेस को क्यों बियर करना है आ, वाइफ ने भी कहा अल्टीमेटली बेजर चला गया उस शाम को कि तो ठीक है मैं चला जाता हूँ मेरी वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई मैंने सारी रात बैठ के सोचा कि यार हो सकता है एस्ट्रोलॉजी ठीक हो उसके एस्ट्रोलॉजी में कोई गलती नहीं है वी विल भी करेक्ट बट कल को ये कह सकता है कि तुझे अगले लॉसेस तो बीवी भी, भी जैसे हो रहे हैं तो उनको छोड़ दो परसों को कह सकता है बच्चों को जैसे हो रहे हैं और वो हो सकता है ठीक हो तो क्या मैं सब कुछ छोड़ता चला जाऊंगा तो मैंने कहा नहीं छोड़ेंगे तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया मैंने कहा कि अगर लॉसेज दिए तो मिल के भुगतेंगे देखते हैं क्या हुआ आपके सगे भाई थे मेरे सगे भाई थे तो उसको वापस लाया तो मैंने कहा अगर नुकसान है तो मिलकर भुगतेंगे प्रॉफिट्स हैं तो मिलकर करेंगे और अगर टाइम मैंने सुनाया कि एक जैसा नहीं रहता तो ये भी नहीं रहेगा निकल जाएंगे इससे तो वो भी मेरा एक पिलर है आज वो भी मेरे साथ है और मैं जहां कह दूँ जैसे कह दूँ उस तरीके से मेरे साथ खड़ा है तो ये बैलेंस है जीवन का और मेरा ऐसा मानना है कि शायद भगवान दिख रहा है और बहुत कुछ उसने दिया है और शायद जितनी मजबूत लोग मेरे साथ जुड़े हैं ये तो मेरी फैमिली हो गई अब मैं अगर फैमिली से बाहर जाऊं तो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जब 2006 में लॉसेस हुए तो ये हमारे पास एक सौ पैंतालीस एम्प्लॉयज़ थे हंड्रेड तो उनमें से लगभग हंड्रेड थर्टी हमें निकालने पड़े तो सबको ये कहना पड़ा हाथ जोड़ कि हमारे पास पैसे नहीं है आपको सैलरी देने के लिए तो रिक्वेस्ट है आप देख लीजिए अगर कहीं आपको नौकरी मिल जाती है बट लास्ट में तीन या चार लोग बचे जिसमें ये लग रहा था कि अगर इनको भी निकाल दिया तो कल को मैं दोबारा काम कैसे शुरू करूंगा तो ये तो मुझे चाहिए तो वो कुछ लोग थे जिनको मैं नहीं निकाल पाया मैं नहीं निकालना चाहता था तो उनको मैंने बोला कि यार मैं चाहता तो नहीं आप जाओ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है आपको सैलरी देने के मैं क्या करूँगा तो वो लोगों ने मुझे ये कहा कि रमन जी जितने पैसे आप घर ले जाओगे ना खाना खाने के लिए उतने हमें दे देना काम इकट्ठे करेंगे वो लोग आज ही मेरे साथ ये ये आपके लेवरेज है क्या है क्या बात आपने जब ये पूरी दास्ता बताई ना तो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था सोचिए एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला आपने भाई को पहले करा टेक्निकली आपको डर लगा होगा कहीं ना कहीं कि मैं किस प्रकार से बट फिर भी आपने वो लीप ऑफ फेथ लिया वापस बुलाया भाई को कि देखा जाएगा लॉस आते हैं आज के समय में रमन जी क्या हो रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सोलह सत्रह साल के बच्चे आपने सुना होगा इंसिडेंट कोटा जा रहे हैं मार्क्स नहीं आ रहे हैं वो लोग सुसाइड कर दे रहे हैं फिर उसके बाद बड़े लोगों में बात करें शादी अच्छे से चले नहीं परेशान है दो साल में सुसाइड कर ले रहे हैं बहुत बड़ा नुकसान हो गया है चाहे वो बिजनेस में हो स्टॉक मार्केट में हो गोल्ड में हो कहीं पर भी हो नुकसान हो गया तो सुसाइड कर लिया मैं सच सच आपसे जानना चाहता हूँ क्या कभी आपने दो सवाल है मेरे इधर ही ताकि आप फ्री फ्लो में बताएं क्या आपने अपने लाइफ में कभी इस तरह के सेटबैक्स रेगुलर बेसिस में देखे हैं मतलब नुकसान जहां पर बड़े हुए और दूसरा क्या आपके दिमाग में भी कभी ऐसा सोच आया है अगर आया है स्वाभाविक तो से बात है आज आप हमारे सामने बैठे हैं तो आपने वो अटेम्प्ट शायद नहीं किया अटैम्प्ट जब आया होगा किस चीज ने आपको रोक के रखा जिसके चक्कर में आज रमन रमन भाटिया यहां पर बैठे हुए अगर हम सेटबैक्स की और लॉसेस की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं अक्सर कहता हूं और शायद आज मैं ज्यादा मज़बूती से कहता हूं कि कोई भी हार हार तभी होती है जब हम हार मान लेते हैं और जब तक हम हारते नहीं है तब तक हार हार नहीं होती क्योंकि आप चाहे कार रेस देखिए आप चाहे क्रिकेट मैच देखिए चाहे आप फुटबॉल देखिए उसमें आपको एक टेनियर दिया जाता है जैसे पचास ओवर का मैच है या बीस ओवर का मैच है तो इसका मतलब यही है ना कि आपको उस बीस ओवर में उतने रन बनाने जितने दूसरी टीम ने बना लिए अगर एक ही ओवर में डिसाइड होना होता किसी का भी तो एक ही के ओवर के मैच होते ना बीस ओवर इसलिए बनाए गए हैं कि आप उसके अंदर एक अपडाउन से गुजरेंगे लाइफ भी ऐसी है लाइफ भी ऐसी है आपको प्लस माइनस देखते हैं मैंने अपनी जिंदगी में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा नहीं तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा आ, मैंने अपना जीवन जान से स्टार्ट किया था तो मेरा जो पहला सेट सेटबैक था वो 1992 नाइन्टी टू में था। लेकिन यस वहां पर वो जो लॉस था उस टाइम का मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस था मैंने क्या किया था उसकी बात बाद में करूंगा मैं पहले ये आपको एक गिनती बताता हूँ पहला जो लॉस मैंने देखा अपनी जिंदगी का वो नाइनटी में देखा उसके बाद नाइन्टी में फिर नाइन्टी में फिर नाइन्टी में हर दो दो साल में आपको नाइन्टी हाँ नाइन में फिर 2003 में फिर 2006 में फिर 2008 में रिसेशन आ गया था अगर आपको याद होगा तो तो सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए थे फिर 2014 में फिर 2018 हजार में और 2020 में तो हम सब ने देखा है कोविड तो ये एक जर्नी रही है लेकिन सबके अंदर जब दो नाइनटीन की बात करते हैं तो वो लॉस शायद सुन के लोगों को हंसी आएगी मेरा उन्नीस हजार रुपए का लॉस था सिर्फ उन्नीस हजार रुपए का आज की फिगर के हिसाब से लेकिन उस जमाने में वो उन्नीस हजार रुपये बहुत सारे थे और मैं सुसाइड करने निकल पड़ा ट्रेन के सामने आके मैं जान दे दूंगा और मजे की बात यह है कि जो मैंने डिसीजन वहां लिया वो डिसीजन मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा और मैं चाहूंगा कि अगर किसी भी तरीके से वो इसको अंडरलाइन स्टेटमेंट मान लें तो शायद बहुतों की जिंदगी बदल जाएगी और वो ये था जब मैं ट्रेन पे मरने के लिए जा रहा था तो चलते हुए एक बात सोची और कृपा भगवान की शायद उसने मुझे वो मेरी बुद्धि में वो चीज़ डाली इस पर भी एक बात करेंगे अगर टाइम मुझे अलाउ किया तो क्या हुआ मैंने ये सोचा कि जो आदमी आत्महत्या करता है उससे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं कोई नहीं है उसकी बजाय अगर मैं आपको ये कहूं कि आप एक ब्लेड लें और अपनी उंगली काटे तो आप नहीं काट पाएंगे हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं काट पाएंगे नहीं, बिल्कुल ठीक है ना मैं आपको वो कहूँगी अपने मुंह पर मार दें आप हाथ का बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे आप वहां तक जा ही नहीं पाएंगे अपने मुंह पे ढंग से थप्पड़ नहीं मार सकते दूसरा शायद बहुत तेजी से मार देगा राइट लेकिन जब एक आदमी ये डिसीजन लेके अपने आप को मार लेता है तो सोचो कितनी ताकत होगी इसके अंदर कितनी हिम्मत थी जो वो अपने आप को मार पाया बस प्रॉब्लम यह है कि वो वाली हिम्मत जो उसने अपने आप को मारने में लगाई अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को मारने में लगा देता तो जिंदगी बदल जाती ताकत तो बहुत था बस ये करना नहीं आया ताकत को डाइवर्ट नहीं कर पाया ठीक जगह पर डायरेक्शन नहीं दे पाया उसको ये है प्रॉब्लम वो शायद मेरे दिमाग में बात आई और मैं वहां से वापिस आया और अपनी प्रॉब्लम्स से लड़ा और मैं वहां से बाहर निकला किसी ज़माने में मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला Uh, मैं याद आता है मुझे 97 98 की बात है मुझे लॉसेस हुए तो उसने मुझे ये बोला कि आपको 2012 या 2014 में आपको करोड़ों के लॉस होंगे 2012 और 14 में आपको करोड़ों के लॉस होंगे जब उसने ये बोला तो मैंने उस आदमी को उस एस्ट्रोलॉजर को बुला के मिठाई खिलाई वो कहता है यार जिंदगी में पहले आदमी मिले हो, जिसको मैंने लॉस की बात बताई उसने मुझे मिठाई खिलाई मैंने कहा यार इतने करोड़ होंगे तो जाएंगे ना खाले

आपकी इसमें इतनी पॉजिटिविटी आ कैसे रही है बिकॉज एक आम व्यक्ति को अगर आप कहेंगे जो इस स्थिति में है 1992 स्वाभाविक से बात है आप काफी यंग है उस समय पे हजार का नुकसान आज के डेट के हिसाब से बहुत बड़ी चीज हो जाती है आज के हिसाब से भी मैं कहूंगा आज कोई स्कूल कॉलेज जाता हुआ बच्चा अगर उन्नीस हजार रुपए जो पापा ने दिए वो गवा दे तो मिडिल क्लास फैमिली की तो हालत खराब हो जाएगी फिर उसके बाद करोड़ों के नुकसान की बात हो रही है आप ये कैसे आ रही है पॉजिटिविटी ताकि हमारे व्यूअर्स भी समझ सके कैसे ला सकते हैं इसको मैं पहले एक मजाक में लेता हूँ थोड़ा सा हंसने के लिए उसके बाद मैं आपको इसके पीछे का एक लॉजिक बताऊंगा मजाक ये है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और वो स्कूल में फेल हो गया और उसके पिताजी गुस्से में है और उन्होंने एक थप्पड़ मारा दो मारा तीन मारे चार मारे और उसके बाद दस बीस तीस और मार दिए तो दो चार पांच बार के बाद में पता नहीं लगती कि चोट कहाँ पड़ रही है आप सुन हो जाते हो अब जो पड़ रही है आपको दिख नहीं रहा होगा ऐसे ही जिंदगी ने जब बहुत सारी चोटें मारी तो आपको एक लेवल के बाद में समझ नहीं आता ये अब क्या होगा तो एक तो ये एक वजह रही ठीक है तो ये कहा मजाक में लेकिन सच में ऐसा ही होता है और इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ अपने जब मेरे से किसी का मिलना होता है मेरा ये कहना है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो मोबाइल रखता हो अपने पास और उसने कभी वीडियो गेम ना खेली हो बहुत एक्सेप्शनल केसेस को हटा देता हूं आमतौर पर कभी ना कभी हमने कोई छोटी मोटी वीडियो गेम जरूर खेली होगी करेक्ट जब वीडियो गेम खेलते हैं तो मजे की बात यह है कि हर एक गेम के अंदर लेवल्स होते हैं स्टेजेस होती हैं बिल्कुल होती, होती है ना तो जब हम गेम खेलना शुरू करते हैं तो हमारी कभी तो सारी गेम ओवर फर्स्ट स्टेज में हो जाती है या दूसरे में हो जाती है तीसरी होती है तो जब हम थर्ड स्टेज में फोर्थ स्टेज में पहुंच जाते हैं और वहां गेम ओवर होती है और हम दोबारा से शुरू करते हैं तो आप ये देखेंगे कि पहली बार थर्ड स्टेज तक पहुंचते हुए हो सकता है मुझे पांच दिन लगे हो दूसरी बार थर्ड स्टेज में पहुंचते तक मेरे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि मैं बहुत जल्दी से वहां क्रॉस कर जाता हूँ ऐसी जिंदगी एक सेट पॉइंट थ्योरी है आप जहां तक अचीव कर लेते हो वहां तक आप भी बन जाते हो मैं भी रिलेट कर रहा हूँ तो आप जब भी कभी ऐसी जगह से गिरते हो तो आप वहां तक तो बड़े आराम से पहुंच जाते हो वहां तक पहुंचने के लिए आपको कभी टाइम नहीं लगता तो ये कुदरत के नियम है तो यह है एक बात अब जहां तक आपने बात की पॉजिटिविटी की तो मेरा ऐसा मानना है जो पॉजिटिविटी है ये सॉल्यूशन नहीं है किसी बात का ये आपको एक ताकत जरूर दे सकती है लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकती कि आप बाहर कैसे निकलेंगे इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो चीज चलती है वो चलता है कि आप चिंता करते हैं कि चिंतन करते हैं चिंता करते हैं कि चिंतन करते हैं दैट मीन आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर दिमाग लगाते हैं या प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं मैक्सिमम लोग लेके बैठ जाते हैं राइट तो 1999 में जब मुझे लॉस हुआ था जो मैंने आपको पीछे भी अभी बताया जी जिसके अंदर मेरे को कम्बोज की गोलियां खा के नींद नहीं आती थी काफी दिक्कत में था तो वहां पर मैंने एक फार्मूला क्रिएट किया अपनी जिंदगी में उस फार्मूला फार्मूला का नाम मैंने रखा लिब्रा जी लिब्रा जी। लिब्रा इसलिए रखा क्योंकि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जी। जी। जो राशि है वो भी लिब्रा है और लिब्रा एक तराजू होता है ठीक है तो तराजू का जो बैलेंस होता है वो होता है कि जब वो दोनों चीजें बराबर हों एक तरफ बाट रखता है दूसरी चीज रख देता है तो बराबर हो जाता है तो मतलब तोल लाइट तो मैं जब भी कोई प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आती है तो मैं हमेशा उस तराजू को कोन करता हूं एग्जाम्पल देता हूं बहुत छोटा था मान लीजिए मैं अभी रोड पे निकला और मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई मेरे पास मर्सिडीज है एस क्लास इलेक्ट्रिक तो मेरी एस क्लास मर्सिडीज रोड पे जाके एक्सीडेंट हो गई मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि तो वो डेढ़ करोड़ रुपए की कार है तो वो एक्सीडेंट इतनी तेज हुई है कि वो गाड़ी आगे से खत्म हो गई तो नाइनटी नाइन परसेंट लोगों के अंदर ये चलता है कि मेरा डेढ़ करोड़ की गाड़ी गई बिल्कुल बिल्कुल यही आएगा मैं वहां से गाड़ी से उतरूंगा और मैं ये देखूंगा कि ये जो गाड़ी गई है इसके अंदर मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है यानी कि मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं कि मैं उसका मैक्सिमम और मिनिमाइज सोचता हूं मैक्सिमम लॉस है कि अब ये मैं गाड़ी नहीं रखूंगा और ये गाड़ी का लॉस हो चुका तो दैट इज वन पॉइंट करोड़ एक्साम्पल ये पूरा वर्स्ट केस केस हो गया अब इसका जो पॉजिटिव है है वो ये ये कि जो डेढ़ करोड़ की गाड़ी खत्म हुई है इस गाड़ी को मुझे रिपेयर और सारी चीजें इंश्योरेंस कंपनी दे देगी तो हो सकता है मेरी जीव से पांच लाख रुपए लगे और जब गाड़ी बेचने जाऊंगा तो डेढ़ करोड़ की गाड़ी मेरी एकड़ तीस लाख की बिकेगी क्योंकि बीस लाख का लॉस वो भी करेगी तो टेक्निकली मेरा ला लॉस पच्चीस लाख रुपए यानी कि मिनिमम लॉस पच्चीस लाख है मैक्सिमम लॉस लाख डेढ़ करोड़ है तो अब मुझे डेढ़ करोड़ की टेंशन लेनी है कि पच्चीस लाख की लेनी है तो नजर आया कि पच्चीस लाख तक मैं इसको ला सकता हूं तो मिनिमाइज करके इसको पच्चीस लाख पे ला सकता हूं अगर मैं पच्चीस लाख पे ला सकता हूं तो फिर मैं इस पर एक और फॉर्मुला लगाता हूं और ये लगाता हूं कि अगर किसी समस्या का हल पैसा है और मेरी औकात में है तो मैं दिमाग नहीं पैसे से उस चीज अगर वो सॉल्व हो सकती है तो ये पच्चीस लाख अगर मैं बियर कर सकता हूं, तो मैं कर लूंगा इसमें दिमाग लगा रहा हूं। मैं दूसरी गाड़ी लूंगा या कैब लूंगा और निकल जाऊंगा तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर आज के समय पे इक्कीसवीं सदी पे कलयुग में किसी के पास पैसे हैं तो वो 99 परसेंट प्रॉब्लम से नहीं मैंने आपको जो बोला उसमें दूसरा जवाब और है अगर किसी समस्या का हल पैसा है हर समस्या पैसे से नहीं, हलनी नहीं होती इमोशंस पैसे से नहीं होती रिलेशनशिप पैसे से नहीं बनती फैमिली पैसे से नहीं चलती हाँ कुछ चीज़ें हैं जो पैसे से चलाई जा सकती हैं लेकिन आप रिलेशन पैसे से नहीं बना सकते मैं एक और एग्जाम्पल शेयर करता हूँ आपको आ, मेरी और मेरे फादर साहब का रिलेशनशिप कभी बहुत बढ़िया नहीं था ठीक है मैं अगर कहता था दिन है तो वो कहते थे रात है मैं कहता था कि अगर ये काम ठीक है तो वो कहते थे गलत है मतलब हम दोनों कभी एक जगह नहीं थे एक, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे और ऐसा लगातार रहा दो में हमारी एक लड़ाई हुई मेरी और मेरे फादर की उस लड़ाई में हमारे फादर साहब ने कहा कि मैं ना सारी लड़ाई खत्म करते हैं मैं आज ये डिक्लेयर करता हूं कि मेरी को औलाद ही नहीं है ओ, मैं लिख के दे देता हूं न्यूज में कि मेरी औलाद नहीं है तो मैंने कहा कि आप क्या लिख के दोगे मैं लिख के देता हूं कि मेरे फादर ही नहीं है मैं आपको खत्म करता हूँ निपटाता हूँ तो ये लेवल की लड़ाई अब ये लड़ाई हुई तो मैं वहां से निकल गया अब जब निकला तो वही जो मैंने 92 टू की आपसे एक एग्जाम्पल शेयर किया वही एग्जाम्पल वापस मैंने कहा यार मैं जो अपनी ताकत है वो अपने और अपने फादर साहब की बीच की लड़ाई को खत्म करने में क्यों नहीं लगाता क्योंकि उस दिन में मैंने निकल पड़ा था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा आज गाड़ी लेकर निकल पड़ा था तो मैंने गाड़ी वापस यूटर्न मोरी और मैंने कहा ये इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं वापस आया अपने फादर साहब का हाथ पकड़ा ऑफिस के अंदर ले गया अंदर से मैंने लॉक किया और बैठा दिया मैंने कहा देखो आपने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद आपकी और आदमी है बिल्कुल मैंने कहा मैंने भी डिसाइड कर लिया आज मेरा मेरे फादर नहीं है जब हमने डिसाइड कर लिया तो ये रिलेशनशिप मर गई क्या बिल्कुल मर गई तो मैंने कहा एक घटिया दोस्तों की तरह आमने सामने बैठो और पेपर भी लिखो आपकी प्रॉब्लम क्या है और मैं भी लिखता हूँ मेरी प्रॉब्लम क्या है और इसके बाद पेपर एक्सचेंज करेंगे और एक हफ्ते तक देखेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या तो वी द पेपर तो उन्होंने जितनी प्रॉब्लम लिखी उन सबकी प्रॉब्लम्स का एक ही जवाब था मतलब एक ही जो हो कह सकते हो आप कंक्लूजन uh, था वो ये था कि मुझे लगता तो मेरी इज्जत नहीं करता और मेरी सारी प्रॉब्लम्स का जब एक पेपर पे जब एनालाइज किया गया तो उसका एक ही था कि आपको मेरे हर काम में टांग लड़ाने की बीमारी है <laughs> ये बीमारी <laughs> <थी। laughs> जी 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 तो ये पेपर एक्सचेंज हुआ वो दिन है और आज का दिन है दुनिया हमारी रिलेशनशिप से जलती है इतना, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो चुका है आपका तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि कभी कभार केवल एक क्लियर कट कम्युनिकेशन अगर रिश्तों के बीच में किया जाए कभी कभार नहीं हमेशा ही आमतौर पर जितनी भी रिलेशनशिप मैंने अपनी जिंदगी में खराब होते देखे हैं उनका मूल जड़ की थी कि वो एक दूसरे से बात ही नहीं किया अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं की एज्यूम कर लेते हैं मुझे लगता है वो ऐसा सोचता होगा मेरा मानना है वो गलत होगा मैं जानता हूं वो गलत होगा ये मैं जानता हूं मैंने क्या पूछा क्या बताया क्या उसको बोला मुझे तरह से प्रॉब्लम है ये बात नहीं होती तो आज हमारी कंपनी में कल्चर है हमें कुछ भी करना होता है कुछ भी हम वो टेबल पे लाते हैं एम्प्लॉज के और हम उसमें वोटिंग कराते हैं कुछ भी हो कोई भी चेंज छोटा कुछ भी चेंज हो okay. अगर हमें एक अपने वॉशरूम के अंदर भी कोई चेंजेस करने हैं और उसमें हमें मानना है कि ये लेडी कैसे लेगी और जेंट्स कैसे लेंगे तो उसकी वोटिंग होगी मैं आई एम नॉट अ पार्ट बट वो एक सिस्टम क्रिएट होगा कंपनी की आपने बात करी और जब आप बात कर रहे थे मर्सिडीज़ uh, ई वाली तो मेरे दिमाग में सवाल एक ये उठ रहा था कि आप लोग भी ई के सेक्टर में ही काम करते हैं ईवी स्पेस बहुत ज़्यादा आपको क्लटर्ड नहीं लगता ऐसा नहीं लगता इधर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है बहुत एक्सट्रीम कंपटीशन है कैसे आपको लगता है कि आपकी कंपनी जो सर्वोटेक की अगर मैं बात करता हूँ ये किस प्रकार से कट थ्रू कंपटीशन में सरवाइव कर पाएगी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा बिजनेस है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया में बहुत तेजी से अडॉप्ट हुई हो और उसमें कॉम्पिटिशन ना हो ऐसा तो कोई नहीं है तो इसका बड़ा बढ़िया सा एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको दो में जब मुझे लॉस हुआ था जब मैं दिक्कत में आया तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि हमें लगा कि अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे कंपनी एज अ कंपनी तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि ये कंपनी जैसी भी है इसको जितना चला लेगी उससे घर के खर्चे हुए चले जाएंगे तो उतना काम तो तू कर मैं नौकरी ढूंढ लेता हूँ और मैं नौकरी ढूंढने निकल पड़ा और मैं, अब नौकरी ढूंढने निकले तो अपनी फील्ड में ढूंढेंगे तो उस टाइम पे उस फील्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी थी आ, मैं उस कंपनी में गया और मैंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू दिया तो मैं सेलेक्ट हो गया और मुझे पूछा गया कब से ज्वाइन करेंगे तो शाम के छः बज चुके थे तो मैं कह कल सुबह से मैं आ जाऊंगा डन तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा जो मेरी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से, से मैं आया था वो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा एक एक बात प्रॉब्लम है कि कुछ एक बहुत बड़ी कंपनी थी उस कंपनी ने मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज्यादा स्लैश कर दिया था एमआरपी प्राइस इतना आप की की भी कैसे करोगे प्राइस को और मार्केट कैसे बनाओगे भाई प्राइस तो मेरे लिए नहीं कम हुआ ना पूरी इंडस्ट्री इंडस्ट्री के के लिए लिए कम हो कम हुआ बिल्कुल तो उन्होंने एक जवाब दिया जिस जवाब ने मेरी जिंदगी बदल दी उन्होंने कहा कि रमन इस दुनिया में ना कुछ रूल है तो एक यूनिवर्सल रूल है और वो ये सच है कि आज तक किसी भी ब्रांड की मनोप्ली नहीं हो पाई पूरी दुनिया में तो उस टाइम पे उस ब्रांड से जैसे कहीं सिबा का बिकता है तो कहीं बिना का बिकता है कहीं पेप्सूर बिकता है तो कहीं कोलगेट बिकता है कहीं कोक बिकता है तो कहीं पेप्सी बिकता है तो आपको सिर्फ अपना शेयर बनाना होता है मार्केट में अपनी जगह बनानी होती है तो अगर आप अपनी जगह बना लो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली मैंने कहा थैंक यू मुझे लगता है मुझे नौकरी नहीं करनी मेरी प्रॉब्लम <laughs> ये तो आपने बहुत ही सही चीज कही लेकिन मुझे एक चीज बताइए चैलेंजेस तो आपने बताए हैं आपकी लाइफ के अब मैं आना चाहता हूँ आपकी कंपनी के थोड़े से मेरे को चैलेंजेस जानने हैं जब इसकी बिल्डिंग का प्रोसेस चल रही थी जब आपने एक समय पे सोचा कि यार हम ईवी स्पेस को डोमिनेट करेंगे बिकॉज मेरे हिसाब से आप डोमिनेट ही करना चाहते हैं अपने मोबिलिटी स्पेस में एंड डोमिनेट नहीं करना चाहते इसको दूसरे तरीके से कहना चाहूंगा जो मैं बहुत बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ इसके अच्छे शब्द देना चाहता हूँ इसको थोड़ा सा एक खूबसूरत शब्द देना चाहता हूँ जब हम डोमिनेट या कुछ इस तरीके के नेगेटिव बड़ा, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड्स की बात करते हैं, एक में, आ, मेरे साथ एक एपिसोड हुआ छोटा सा और एपिसोड ये हुआ कि अगर आपको याद हो तो 2021 में दूसरी कोविड की वेब आई थी जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की मारामारी हुई तो मेरे साथ भी क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था उसके लिए हमें एक कॉन्सनट्रेटर खरीदना पड़ा जिसका लगभग कीमत दो लाख रुपए हमने पे की तो जो कॉन्सनट्रेटर लिया तो मैंने वो कॉन्सनट्रेटर को खोल के देखा एज आ क्योंकि तो टेक्निकल आदमी थे तो टेक्निकल आदमी को बहुत खुजली होती है सब कुछ देखने की तो हमने खोल के देखा तो अंदर से आवाज़ एक ही आई कि अब अगर कोई आदमी इस कॉन्सेंट्रेटर को यूज करने के बाद भी उसकी डेथ हो गई तो उसको ये नहीं पता लगेगा कि वो कोविड से गया कि टेक्नोलॉजी से गया क्योंकि क्वालिटी बहुत घटिया थी तो हमने अपनी टीम को बुलाया और हमने कहा यार कि हम क्या बढ़िया कॉन्सेंट्रेटर जो दो लाख रुपए में हमने खरीदा है हम बीस हजार बना सकते हैं क्या तो हमने आई के साथ मिलकर वो कॉन्सेंट्रेटर इंडिया में बनाया और हमने अड़तीस करोड़ रुपए के कॉन्सेंट्रेटर भेज दिए और हमने बहुत कम टाइम में वो काम किया तो जब हमने ये काम किया तो एक दिशा मिली और मन में ख्याल आया कि यार क्यों नहीं हम ईवी में जो काम कर रहे हैं इसके अंदर भी हम कुछ बड़ा काम करें अब बड़ा काम कैसे बड़ा काम यह था कि गवर्नमेंट को क्या हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या कुछ कॉन्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं अपनी इस आ, आ, इस जर्नी में गवर्नमेंट के साथ आ, कुछ सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट ऐसे था कि गवर्नमेंट ने कहा फॉर एग्जांपल कि मैं दस हज़ार करोड़ खर्चूंगी अब दस हज़ार करोड़ में अगर एक करोड़ रुपए का एक प्रोडक्ट है तो दस हज़ार आएंगे करेक्ट और अगर वो दस लाख रुपए का है तो एक लाख आ जाएंगे नंबर तो डिवाइड बाय द प्राइस है तो क्या मैं टेक्नोलॉजी को बहुत इजी और इकोनॉमिक कर सकता हूं क्या तो हमने ये प्लान किया कि हम इसको बहुत सस्ता कर देंगे तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो भी दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट बिक रहे थे उनमें से कुछ प्रोडक्ट उठाए और हमने उसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद हमने कहा कि इसमें मुझे तोल के बता दो कितना कॉपर है कितना अल्मोनियम है कितना प्लास्टिक है कितना सिलिकॉन है और मुझे सबकी कीमत बता दो कि वो कॉमोडिटी की कीमत कितनी है एल्यूमिनियम है दो सौ रुपए किलो है कॉपर है चार सौ रुपए या छ सौ रुपए किलो है जो भी प्राइस है लोहा है पचास रुपए किलो है तो इसके हिसाब से बताओ कितने रुपए का माल है तो लोगों ने उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो साठ किलो वाट का चार्ज है चौदह लाख रुपए का बीतता था जब हम एंटर किए थे तो हमने जब सब कुछ तोला और सारा कैलकुलेट किया तो ये नजर में आया कि उसमें रॉ मेटेरियल की कॉस्ट कौ। तो दो तीन लाख रुपए दो लाख रुपए तो मैंने कहा बाकी क्या है उन्होंने कहा बाकी जो है वो है टेक्नोलॉजी

तो हमारा टारगेट ये था एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको अगर आज कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन लेता है एंड्रॉयड आज नाइनटी मार्केट को डोमिनेट करता है करेक्ट है तो अगर कोई भी एंड्रायड फ़ोन लेता है किसी भी कंपनी का ले ले तो वो बताता है कि मेरी स्क्रीन कितनी बड़ी है स्क्रीन के पिक्सल कितने हैं मेरा बैटरी बैक बैकअप कितना है मेरा रैम कितनी है मेरा कैमरा कितना मेगा पिक्सल ये सारी बातें बताता है एप्पल वाला कहता है एप्पल एप्पल ही होता है वो कुछ नहीं बताता कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती ये जो डिफरेंस है ना हमें ये डिफरेंस क्रिएट करना है कि सर्वोटेक के प्रोडक्ट को लोग बोले कि सर्वोट, सर्वोटेक होता है बट बट इसका जो प्राइस होगा वो चाइना के एफ प्राइस के बराबर होगा यानी कि जितने रुपए में चाइना की फैक्ट्री से वो प्रोडक्ट वहां से निकलेगा उस प्राइस पर मैं यहां बेच दूंगा ये मेरा टारगेट है तो जितने रुपए में गवर्नमेंट कंपनीज या पीएसयूज एक हजार पीस खरीदना चाहते थे उतने में हमने उनको दिए तो कहीं ना कहीं आपका ये था कि मैं अकेले ही क्यों फायदा करूं पूरे इकोसिस्टम का भी बेनिफिट में करता हूं तो बिकॉज हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे मैं हाल फिलहाल में कुछ अखबारों में रिपोर्ट पढ़ रहा था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वो भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन के तरफ काफी ज्यादा इनकी ये चीजें आ रही है आपको लगता है इसके कारण आप लोगों को भी बेनिफिट होगा ऑब्वियसली इको में जो जो आएंगे सबको फायदा होगा जब आप एक इको की तरफ बढ़ते हैं तो बेनिफिट सबको मिलता है okay. ओके आज हम अगर बात करें तो हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बेचना नहीं है सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है ठीक है हमारे मिशन में एक चीज और ली है हमने और वो ये लिया है कि 2026 क्रॉस करने के बाद हमारी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग सिफारिश लगवाएंगे हम ऐसा सिस्टम और इस तरीके का एक एन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं इस कंपनी में कि लोग कहेंगे यार सर्वोटेक में नौकरी मिल जाए तो इससे बढ़िया जिंदगी नहीं होगी दैट इज़ अ थॉट इसके अलावा हम एक और काम कर रहे हैं आ, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक ये कंपनी हम ले आए इसमें शायद हमारे किए हुए काम दस बीस तीस परसेंट होंगे कुछ किस्मत भी है कुछ परमात्मा की कृपा है हम पे जिससे हम यहाँ तक आ पाए और वो कृपा मुझे अकेले पे नहीं है वो शायद आ, इसके अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं चाहे वो एम्प्लॉज हैं चाहे वो वेंडर है सप्लायर है और चाहे वो हमारा कस्टमर है चाहे वो हमारा इन्वेस्टर है इन सब की दुआएं भी साथ हैं इसीलिए मैं देखता हूं तो इतनी छोटी सी कंपनी के अंदर शायद हमारे शेयर होल्डर लगभग दो लाख के आसपास तो कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो मैं ऐसा देखता हूं कि वो सब की भी दुआएं कहीं ना कहीं इस कंपनी के साथ हैं तो मुझे दिमाग में ये ख्याल आया कि यार इस सबके बाद भी एक सोच थी जिसके साथ मैं इसको यहाँ तक लेके आया और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से सबने जाना है तो अगर ये चला जाऊंगा तो क्या यह कंपनी इस सोच को कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि जब कल कोई इसको संभाल रहा होगा मैं उस पर कितना विश्वास करूं या ना करूं तो इसीलिए हमने अपनी कंपनी में ट्वेंटी में एक और नया काम शुरू किया है और वो किया है कि सर्वोटेक का बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान दो क्या होगा यानी कि ट्वेंटी में कंपनी कैसी होगी ये ये लास्ट ये ही ये लास्ट ईयर ये ईयर ही हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया तो इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी के अंदर ए आर ए आई वी आर सब कुछ हम टेक्नोलॉजी में डाल रहे हैं मैं कैसे सोचता हूँ का बंदा कैसे सोचता है सारी का कैसे सोचती है उसको ऑर्डर कैसे मिलते हैं तो कौन कौन क्या काम कैसे करता है उन सारी थॉट्स को उन सारी इमोशंस को हम प्रोसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं ये मेरे हिसाब से किसी ने भी यूजुअली ऑन अ पॉडकास्ट किसी सी ओ एम डी लेवल के नहीं पूछा पर मैं पूछना चाहूँगा तो जब हमने बाहर के कुछ सक्सेसफुल आंट्रप्रनोर्स की स्टडी करी है तो एक चीज़ थी स्टीव जॉब जिनने एप्पल बनाया है वो स्टार्टिंग में अपने ऑफिस में जब घुसते थे तो एक उनका एक बोर्ड बना हुआ था जिसमें कि उन्हें लिखा रहता था कि मैं और कुछ इमेजेस थी कि मैं दुनिया की सबसे बेटर और बेस्ट कंपनी बनाऊंगा इस तरह से उन्होंने मेंशन किया था और आज हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आईफोन ही बिकते हैं सबसे ज़्यादा क्वालिटी वही है लाइक वाइज अगर हम बात करते हैं धीरू भाई अम्मानी सर की भी सारे लोगों की हम बात करते हैं कहीं ना कहीं ये जो एक बज़ आजकल चलता है विजुलाइज़ करना या फिर आप अपने ड्रीम्स को लिखते हैं मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या आपने भी आज तक कभी कुछ ऐसा किया है डू यू बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स कि आप एक ड्रीम बेक करें ड्रीम लिखें इस तरह से मैं आपके व्यू जानना चाहता हूँ इस पर हम बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ और ऐसा शायद मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ और जब हम लोग आई लेके आए थे मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि तब भी एक विजन बोर्ड बना था हम लिस्ट हुए थे चौबीस अगस्त दो को और विजन बोर्ड बनाया गया था ग्यारह अप्रैल दो को लगभग चार महीने पहले कि हम आईपीओ लाएंगे और शायद बहुत ही बिरली कंपनियों में से हम एक रहे हैं जो साढ़े तीन महीने में, में आईपीओ ला के लिस्ट हुए तो और, क्या क्या और कैसे करेंगे तो एक दस साल का पूरा एक जर्नी हमने बनाई उसके ऊपर और वो जो दस साल की जर्नी हमने बनाई उस दस साल की जर्नी में बनाने के बाद वो तो एक ही विजन बोर्ड है जिसपे सिर्फ वो दस साल दिख रहे हैं दस साल बाद कहा होंगे वो लिखा इसके बैक एंड पे हमने एक्सेल पे बहुत सारी शीट्स बनाई जिसमें हमने ये लिखा बनाया कि हम हर साल कहाँ होंगे तभी तो वो जब तक हम इन डॉट्स को नहीं जोड़ेंगे कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वहां पहुंच नहीं सकते नहीं। तो हमने वो जो डॉट्स बनाए थे तो 2024 अगस्त में हमें कहा होना चाहिए था उन डॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पॉइंट आगे थे पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही मैं आज के समय पर मान लीजिए कोई हमारा व्यूअर है वो एक वो मान लीजिए बिजनेस चालू करना चाहते हैं वो आज एक बोर्ड बना लेते हैं और उसमें लिख देते हैं कि यार मैं एक सौ करोड़ की कंपनी अगले पांच साल में बनाऊंगा उसने एक लिख दिया और अपने सामने लगा दिया ये वर्क कैसे करता है ये तो कुछ जादू तोना टाइप कुछ है है इसमें चक्कर और वो ये है कि जैसे गीता की बात करें तो गीता को सब पढ़ते हैं और उसके मतलब सब अपने तरीके से निकालते हैं इंटरप्रेट अपने अपने हिसाब से करते हैं तो ऐसे इस बात का भी मतलब लोग अपने अपने तरीके से ले लेते हैं और उनको लगता है शायद विजन बोर्ड बनाने से कुछ हो जाएगा मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि हर इंसान के दिमाग में पूरे दिन के अंदर लगभग पचासी हज़ार से ज़्यादा थॉट्स आती हैं हम बार बार कुछ ना कुछ सोच रहे हैं तो जो थॉट्स हैं वो थॉट्स को पहले आपको कन्वर्ट करना होता है एक आ, इसका एक सिस्टम है पहले हमारी एक फील होती है फील को थॉट में कन्वर्ट करना होता है थाट्स से हमें उसके ऊपर एक्शन लेना होता है एक्शन से रियलिटी क्रिएट होती है तो लोग क्या करते हैं एक्शन मिस कर देते हैं वो सिर्फ थॉट वहीं पर रह जाता है थॉट को विजन बोर्ड पे ले आते हैं और वो कहते हैं भाई इसकी पूजा करो रोज दुबती जलाओ शायद कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं होता है ये थॉट या ये विजन बोर्ड बनाने से होता क्या ये आपको एक एक्शन एक प्लान बनाने की इजाजत देता है आप उस दिशा में सोच पाए अगर आप उस दिशा में सोच पाएंगे और उसके हिसाब से एक्शन प्लान करेंगे तो आप एक्शन लेंगे ठीक है ना जैसे वो कहते हैं कि कुछ मैंने कहावत सुनी है बोया पेड़ बबूल का नीम कहा से हो ए, कुछ ऐसे तो आपकी थॉट क्या है राइट right? तो एक्शन उसी दिशा में होंगे तो आपके एक्शन फोकस्ड हो जाए इसके लिए आपको विजन बोर्ड बनाना होता है ये नहीं है कि विजन बोर्ड बना लिया और काम हो जाए करेक्ट इस पर बड़ी मजे की बात है बहुत छोटी थी बिल्कुल 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 एक बार क्या हुआ एक राजा था उस राजा ने कहा यार कि मुझे कोई एक बंदा मिलवा जो बहुत अच्छा तीरंदाज हो बहुत सारे बंदे बुलाए गए लेकिन अच्छा कोई तीरंदाज नहीं मिला एक दिन राजा किसी जंगल में जा रहा था उसने देखा यार कि हर पेड़ के ऊपर एक निशाना लगा हुआ है और तीर जो लगा हुआ है बिल्कुल निशाने के सेंटर में लगा हुआ है बड़ा खुश अरे तो बहुत बढ़िया है लेके आओ यार इसको लाया करें यार इतना बढ़िया निशाने वाले कहाँ है कहता जहां जहां तीर लगते हैं मैं गोला खुज देता हूँ तो ये लॉजिक नहीं चलेगा ओके तो विजन बोर्ड आपको बनाना है फिर दिशा में करना है ये आपने पूरा प्रैक्टिकल एक वो बताया क्योंकि काफी मैंने देखा हुआ है ये बिजनेस कोचेस जिनने बहुत सारे मैं जज नहीं करना चाहता हूँ बट बहुतों ने खुद ने नहीं किया है बट वो वही बोलते विजन बोर्ड लगा दो और बस आपके सपने साकार हो जाएंगे लेकिन आपने कहा कि एक्शन उस तरफ पे लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तभी रियलिटी क्रिएट होती है ओके और आपने जो ये बताया सिक्सटी या सेवेंटी थाउजेंड थॉट्स होते हैं तो जब आप विजन बोर्ड रखते हो तो आपका शायद फोकस रहता होगा और थॉट्स उस तरफ अलाइन यस तो हम अगर इसकी बात करें तो एक दस साल का विजन बनाया हमने पहले फिर हमने उसको तोड़ा एक एक साल में फिर एक एक साल को हम क्वार्टर में तोड़ते हैं फिर क्वार्टर को हम मंथ में तोड़ते हैं फिर मंथ को हम वीक में तोड़ते हैं अच्छा पूरा पूरा उसको ये मतलब स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया है हुआ है स्ट्रक्चर्ड प्लान है और उसके बाद हम उसको रिव्यू करते हैं हर महीने के फर्स्ट वीक में हम लास्ट वीक को प्लान मतलब रिव्यू करते हैं और हर मंथ के लास्ट वीक में हम अगले वीक को अगले मंथ को रोल आउट करते हैं गॉट इट जब मैंने आपके ऊपर रिसर्च करी थी तो आपने एक अंश ऑलरेडी टच किया हुआ है आप ये नहीं पता था मुझे आपके और आपके पिताजी का रिलेशनशिप पहले कैसा था और बाद में कैसा हुआ लेकिन जितना मैंने पता किया था कि आपके पिताजी ने साइकिल के बिजनेस से शुरुआत करी थी स्वाभाविक सी बात है पापा भी एक तरीके से आंट्रप्रनोर ही हुए आपने उनसे क्या चीजें सीखी थी जिसने आपको फ्यूचर में हेल्प करी कुछ तो चीजें अवश्य सीखी होंगी एक दो चीजें हाँ। तो जुबा 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 जो उनके मैंने अपनी जिंदगी में देखा है हिसाब के बहुत पक्के रहे जुबान के बहुत पक्के जो कह दिया वो किया ये बहुत अच्छी बात थी दूसरी बात वो परिवार को साथ लेके चले हमें जो आज लगता है शायद पहले नहीं लगता था जिसकी वजह से हमारे आपस में विचार नहीं मिले उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि आ, पिता कहाँ से दिख रहा है वो बच्चे को समझ में नहीं आता उसको लगता है कि वो गलत है इसको कहते हैं रूथलेस कंपेशन खबर आप जी ये सब सुना है कि नहीं सुना रूथलेस कम्पैशन रूथलेस कंपेशन का मतलब होता है कि मैं अगर एक रोड पे जा रहा हूं ठीक है और मेरी गाड़ी किसी से लग गई मेरी गाड़ी किसी से टच हो गई और वो बंदा उतरा उसने मुझे दो थप्पड़ मारे मैंने उसको दो थप्पड़ मार दिए तो ये एक लड़ाई है उसने मुझे बीटा मैंने उसको बीटा मैं पेपर में कम नंबर लेके आया और घर आया और मेरे पिताजी ने मुझे बीटा और मुझे कहा साले ढंग से पढ़ ले ये वो पिटाई नहीं थी जो पिटाई वहां थी ये पिटाई मेरे भले के लिए थी वहां बदले की पिटाई थी ये मेरे भले की पिटाई थी इट इज अ रूथ कम्पेशन ये वो कम्पेशन है ये वो प्यार है जिस प्यार को जताया नहीं जा रहा उसकी पिटाई इसलिए की जा रही है क्योंकि आज अगर जताया गया और साथ दिया गया तो शायद ये वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां मैं कुछ चाहता हूं तो वो जो एक गैप था ना

ऐसे लोगों को आप कौन से वो तीन से चार सजेशन देना चाहेंगे आपके अनुभव से कि बॉस अगर तुमको आगे चल के सर्वोटेक जैसी कंपनी या और बड़ी कंपनी या जो भी जिस भी जिस फील्ड में कंपनी बनानी है तो इसके लिए ये तीन चार चीजें आपको बिजनेस में ध्यान रखनी ही चाहिए अदरवाइज आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है सर मैं इसमें सबसे पहली बात जो करना चाहूंगा जो मैं देख पा रहा हूँ अभी ये उसकी वजह से बोल पा रहा हूँ आजकल ये जो स्टार्टअप का कंसेप्ट आ गया ना वैल्यूएशन बहुत सारी चीजों का इस सब में जो घुस गए हैं ना और जो ये बर्निंग रेट की बातें होने लग गई हैं जो इस तरफ चले जाते हैं ना ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा बेवकूफाना कदम है मेरा लेकिन आजकल यही चल रहा है ट्रेंड तो सर यही सर देखो ट्रेंड तो बहुत सारे इस दुनिया में आए हैं लेकिन आप ये बताओ कि कौन से ट्रेंड लॉन्ग लास्टिंग है बचता तो वही है जिसने पैसा कमाया बिल्कुल इसके अलावा तो जितने मर्जी ट्रेंड करो अल्टीमेटली तो वो डब्बे में जाने लगे कोई पहले चला जाता है कोई बाद में चला जाता है बस शर्त यह है कि आप कितनी देर तक रह पाओगे बाहर लेकिन अल्टीमेटली वो बंद होने वाला है लेकिन अगर आपने कमाया है अगर आपकी फाइनेंशियल तो तो उसने, तो उसने मुझे, मुझे एडवाइस करो मैंने अपने बच्चों को कभी भी फोर्स नहीं किया कि तुम्हें ये करना है या ये नहीं करना तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए तो मैंने कहा तो कुछ भी कर लेकिन एग्जाम्पल ले तू कहता मैं एम बी करूंगा तो एम बी करेगा तो एम बी फाइनेंस में कर लेगा एम बी मार्केटिंग में कर लेगा या एम बी एच आर में कर लेगा तो उस फील्ड का जो तो मास्टर हो जाएगा तो कहेगा मैं बी टेक कर लेता हूँ तो बी टेक में तो टेक्नोलॉजी में चला जाएगा सिविल में चला जाएगा मकैनिकल चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक में चला जाएगा किसी एक ही चीज़ को तो समझ सकता है सबको नहीं तो इसलिए मैं तो तेरे को सिर्फ तीन ही सलाह दूंगा जो मैं यहां पर भी देना चाहता हूं वो तीन सलाहें जो मैंने दी वो ये दी कि पहली सलाह तो तेरे को ये है कि किसी भी एक ही फील्ड का मास्टर हो सकता है सभी का नहीं तो अगर तेरे को बड़ा बनना है तो दू रमन जी मुझे एक चीज बताइए आपने एक जैसे बेटे को सजेशन दिया कि स्किल तो आप कोई ना कोई एक चीज में स्पेशलाइज कर दो बट लोगों के साथ रिलेशनशिप आप बना के रखो मैं आपसे पूछना चाहूंगा देखिए ज्ञान देना काफ़ी आसान होता है मतलब तो हमारे घर वाले भी दुनिया भर के ज्ञान देते हैं बट बहुत सारे वो खुद पे फॉलो ही नहीं करते आप अपने लाइफ में कितना महत्वपूर्ण समझते हैं कि बिजनेस में या इन जनरल इन लाइफ रमन जी के लाइफ में रिलेशनशिप्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और क्या कि आप किसी प्रकार से कोई कहानी या कोई चीज़ बता सकते हैं जिससे हमें पता लगे कि आप रिलेशनशिप्स को कितना महत्व देते हैं सर मेरे रिलेशनशिप को महत्व देने में एक बड़ी मजे की बात है अक्सर मैं एक अलग तरीके की प्रॉब्लम देखता हूँ अपने जीवन में और वो ऐसे देखता हूँ मतलब ये प्रॉब्लम नहीं कहूंगा मैं इसको लेकिन आ, होती भी है क्या होता है बहुत बार कोई भी व्यक्ति आपको जब कोई अचानक फोन करता है आ, जो अक्सर नहीं मिलता आपसे या आपके पास आ जाता है तो नाइन्टी परसेंट लोग ये मानते हैं कि कोई काम से आया होगा तो मैं अगर किसी को भी कॉल करता हूँ बिना किसी काम के और या उसे मिलने पहुंच जाता हूँ तो मुझे इस तरीके का एम्बेसमेंट कई बार देखनी पड़ती थी कि वो बंदा अंदर से यही सोच रहा होता था किस काम से आया है कहीं पैसे तो नहीं मांग लेगा या कहीं इसको कोई काम तो नहीं है जब हम काफ़ी एक लेवल डाउन थे आज की बात नहीं है आज तो चलो आ, बहुत कुछ बदल गया भगवान की कृपा से तो लोग ऐसा कहते थे कि तो पूछते थे सर कोई काम है तो मैं अक्सर यही बात कहता था तो बिना मैं बिना काम के भी आता हूँ मैं बिना काम के भी फ़ोन करता हूँ तो अब मेरे बारे में एक ट्रेंड बन गया कि यार का फोन आना है मतलब कोई काम नहीं होगा मतलब तो ये करता है तो दैट इज़ अ वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप ओके तो लोग कहते हैं कि इतना बिजी होने के बाद भी तू यार फ़ोन भी कर लेता है तू आ भी जाता है हम तो टाइम नहीं निकाल पाते ऐसा अक्सर मेरे को सुनने को मिलता है अब अगर मैं वैसे बात करूं कि रिलेशनशिप की तो मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लगेगा कि 95 में शायद हिंदुस्तान के अंदर मोबाइल आए थे और 96 में तो मैंने अपनी जिंदगी में पहला मोबाइल खरीदा था तो जब मैंने मोबाइल खरीदा तो पहला मोबाइल था मेरे पास मोट्रोला डी सिक्स टू एट तो मुझे एक लड़का बेचने आया था वो मोबाइल और आज मेरे हाथ में जो आखिरी मोबाइल अभी तक का जो मेरे हाथ में है ये मोबाइल भी उसी लड़के ने मुझे दिया है और अभी नाउ ज्वाइंट जहां हम अब रह रहे हैं मैं नाइनटी फाइव में यहाँ शिफ्ट हुआ था नाइन्टी फाइव से लेके आज तक मेरा हेयर ड्रेसर एक ही है वही मेरे बाल काटता है एक ही है जिस कंपनी की मैंने जींस पहली बार अपनी जिंदगी में पहनी थी वही नंबर और वही कंपनी की जींस उसी ब्रांड की जीन्स में आज तक वही पहनता हूँ मैंने कभी चेंज नहीं किया तो ये एक रिलेशनशिप का तरीका है और अगर मैं ये बात करूं तो आज जो कंपनी में एम्प्लॉयज है तो उसमें लगभग थर्टी फाइव परसेंट से ज्यादा एम्प्लॉय वो हैं जिनको मेरे साथ दस साल से ज्यादा हो चुका है कंपनी में इवन कई लोग ऐसे हैं जिनको तीस साल भी हो गए उनतीस साल भी हो गए हमारी कंपनी में तो ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं क्या बात है तो आपको लगता है एक बिजनेसमैन के लाइफ में या किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोचें तो ये जो दुनिया है ये सब चल ही रिलेशन पे रही है हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी से कनेक्टेड हैं ठीक है मैं इसको एक दूसरे तरीके से बोलता हूँ हर इंसान की जिंदगी में हर इंसान की जिंदगी में, में हर इंसान जिंदगी को चार हिस्सों में जीता है ठीक है पहला हिस्सा मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं हिंदुस्तानी कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ये अप्लाई करती होगी और जगहों पे भी लेकिन मैं हिंदुस्तानी कल्चर पर बात कर रहा हूँ तो पहला पार्ट जो होता है जिंदगी का वो वो होता है जिसको हम कहते हैं फैमिली लाइफ हम एक फैमिली लाइफ जीते हैं जिसके अंदर आपके माँ बाप या आपके आ, भाई बहन या आपकी हस्बैंड वाइफ या बच्चे दैट इज अ फैमिली लाइफ दूसरी जो लाइफ जीता है वो जीता है सोशल लाइफ जिसमें रिलेटिव दोस्त ये सब आते हैं तीसरी लाइफ होती है प्रोफेशनल या बिजनेस लाइफ ओके okay. जिससे वो पैसा बनाता है और चौथी लाइफ होती है पर्सनल लाइफ जिसमें वो किसी से भी कुछ शेयर नहीं करता जिसमें वो सिर्फ खुद को जानता है और खुद से ही बात करता है जिसमें अगर उसको वाइफ से कोई प्रॉब्लम है फादर से प्रॉब्लम है मदर से प्रॉब्लम है किसी से प्रॉब्लम है या किसी के बारे में कुछ है तो वो सिर्फ खुद के बारे, पास ही है या कुछ चीज़ ऐसी होती है वो करता है और किसी से शेयर नहीं करता करेक्ट ना तो ये टोटल चार तरह की जिंदगी जीता है इसमें जो तीसरे नंबर पर जिंदगी है वो है प्रोफेशनल या बिजनेस लाइफ ये लाइफ इन बाकी तीन लाइफ को ड्राइव करती है

मेरा ये मानना है कि पैसा किसी का भी हो पैसा अपना हो पैसा लोन का हो पैसा इन्वेस्टर का हो पैसा प्रॉफिट का हो कोई भी हो ज़्यादा हो या कम हो दोनों ही कंडीशन में ऊपर का तीन इंच खराब करता है ये जो ऊपर का तीन इंच है ना सारी गेम यहीं से है इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी किसी ने मुझे जिंदगी में सुनाई थी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और मुझे लगता है कि ये कहानी काफ़ी बढ़िया है एक टाइम में क्या हुआ कि एक बार शनि भगवान किसी एक व्यक्ति के दोस्त थे और वो अक्सर रोज शाम को उसके साथ शाम को शतरंज खेलने आते थे okay. तो एक दिन शाम को शतरंज खेल के जब शतरंज की खेल खत्म हुआ जाने लगे तो वो कहने लगे यार मैं तेरे को एक बात कहना चाहता हूँ बताओ जी कहता है परसों से मैं शतरंज खेलने नहीं आऊंगा कहता क्यों कहते परसों से ना मैं तेरे पे आ रहा हूँ वो कहते ना शनि का टाइम बड़ा खराब होता है तो देव कहते हैं कि मैं परसों से तेरे पे आ रहा हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगा खेलने अब तेरे साथ तो तुझे अ दोस्त मुझसे कुछ मांगना हो तो मांग लिया तो नहीं नहीं सलाह लेता है तो अल्टीमेटली एक कंक्लूजन में पहुंच जाता है शाम को वो आते हैं चेस खेलते हैं जाने लगते हैं तो कहते हैं यार मैं कल से आऊंगा नहीं तो बता दोस्त के नाते मेरे से तेरे को क्या चाहिए तो कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं सृष्टि के नियमों का उल्लंघन कराऊं दोस्ती के नाते तो मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी करें सिर्फ़ एक ही काम कर दें मेरे लिए बताओ क्या कहते सिर्फ़ मुझे दें कि कुछ भी हो जाए, मेरा दिमाग खराब ना हो दें। तो शनि आगे करना क्या? मैं तो दिमाग करता हूं, बाकी तो आदमी खुद कर लेता है तो इसलिए राइट तो ये जो है तो मैं यही कहता हूँ तो पैसा है आज वो एक मेटलिस्टिक बहुत स्ट्रांग पावर है और ये अक्सर हमें किसी भी दिशा में मोड़ सकती है कम होने में या ज्यादा होने में या तो डेस्परेट करेगी हमें ड्राइव करेगी नीचे की तरफ या हमें गलत कामों की तरफ ड्राइव करेगी या हम पैसे को बर्बाद करेंगे ठीक है कुछ भी कर सकते हैं तो मेरा ये कहना है कि फाइनेंस विद गवर्नेंस यानी कि वो कम हो या ज्यादा हो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है वो आपके माइंडसेट को डिस्टर्ब नहीं करे आपको ये सीखना बहुत जरूरी है ओके यू हैव टू बी बैलेंस इन बोथ द साइड इज नंबर टू तीसरा मैंने अपने बेटे को कहा मुझे नहीं पता औरों के लिए कितना रेलिवेंस है वो उसके लिए रेलिवेंस था यहां कितना होगा मुझे पता नहीं है लेकिन मैं उसको रिपीट जरूर करना चाहूंगा मैंने उसको कहा कि बेटा तू जहां खड़ा है वहां तेरे पास एक प्लेटफॉर्म है ठीक है तो मैं तेरे को ये सलाह देना चाहूंगा कि जिंदगी में जो भी काम करे वो कंप्लाइंसिस के बेस पे होना चाहिए आउट ऑफ यानी कि लीगली यू हैव टू डू एवरीथिंग राइट इट शुड नॉट बी राउट अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मैंने अगर जिंदगी में कुछ गलतियां की होंगी राइट आपको नहीं पता होता तो वो दो ही वजहों से की होगी या तो मेरी मजबूरी होगी और या मुझे पता नहीं होगा तो जो पता नहीं था जब पता लगा मैंने ठीक कर लिया और अगर मेरी मजबूरी थी तो मैं, मैंने मजबूरी को मार दिया और मैं ठीक हो गया बट तेरे लिए तो ये दोनों चीजें नहीं है तेरी कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि तेरे को खाने पीने की या किसी चीज की चिंता नहीं है आज इस जीवन में करेक्ट और एक प्लेटफॉर्म भी है तो तुझे

और वो शायद अटेम्प्ट टू सुसाइड करने जा रहे थे और आज एक रमन हमारे सामने बैठे हुए हैं जो इतनी बड़ी कंपनी को रन कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि आज आपका विजन क्या है आपकी कंपनी के मैं मैं आपको जो कहा था मैं वहीं वापस आता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक एप्पल के लेवल का यूजर एक्सपीरियंस देते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स अब हिंदुस्तान को नहीं इस ग्लोब को देना चाहता हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ कि इंडियन कंपनीज भी कंपीट कर सकती हैं इंटरनेशनल क्वालिटीज से और हम भी इंटरनेशनली सबको सर्व कर सकते हैं इस तरीके की एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं इसको लेकिन हम प्राइस में कंपीट करना चाहते हैं विद द चाइनीज़ ब्रांड्स और चाइनीज कंपनीज कि हम उनसे सस्ते हैं और क्वालिटी में हैं हम एप्पल जैसे हैं इस तरीके के प्रोडक्ट देना चाहते हैं और एकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करे हिंदुस्तान की जी में तरक्की में और इसके लिए अब हम पचपन और कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं जहां पर हम बहुत जल्दी बिजनेस शुरू करेंगे और मुझे कहते बड़ी खुशी होती है कि लास्ट ईयर में हमारा करीब चौदह परसेंटीन परसेंट बिजनेस एक्सपोर्ट था वाओ वाओ और पचपन कंट्रीज आप कह रहे हैं हम टारगेट कर रहे हैं वाओ एक और मेरा जस्ट लास्ट क्वेश्चन था ऑल दो टेक्निकली गाइस पॉडकास्ट के हिसाब से एंड होना चाहिए लेकिन मेरा सवाल है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मैं आपके रिसर्च कर रहा था तो मेरे को पता लगा था कि आपकी कंपनी ने इस साल इंट्रोड्यूस किया था इंडिया का फर्स्ट फास्ट चार्जिंग इंटरप्रेबिलिटी सोल्यूशन ये थोड़े टेक्निकल शब्द मैं टेक्निकल फील्ड का हूं नहीं तो मैंने एक चीज देखी कि आपकी कंपनी ने समय समय पे कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करी है जिसके लिए आपको भी अवार्ड मिले फॉर एग्जाम्पल आपको अवार्ड मिला था लीडरशिप अवार्ड मिला था बिकॉज आपने यूनिक ईवी चार्जिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी फिर ग्रीन आंट्रप्रनोर अवार्ड मिला था आपको एक समय पे क्योंकि आपने सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाए थे बिजनेस लीडर अवार्ड मिला था आपको इस तरह से मतलब लिस्ट तो काफी ज्यादा है अभी मैं सारे अवार्ड पढ़ने बैठूंगा तो उसके दस पंद्रह मिनट निकल जाएंगे मुझे ये चीज समझनी है कि ये बेसिकली आपको अवार्ड किस धारणा पे मिल रही है मतलब आप ऐसा क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री में ईवी इंडस्ट्री में जिसके चक्कर में आपको एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है आ, मैं इसको जो समझता हूँ मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं हूँ ठीक है मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा हूँ मेरे पास एक अच्छी टीम है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आ, एक शब्द जो मैंने सुना है एक छोटी सी बात वो आपने भी सुनी होगी वो है आवश्यकता आविष्कार की जन्मी राइट तो जब हम आवश्यकता की बात करते हैं तो आवश्यकता का मतलब है यूजर की डिमांड यूजर क्या चाहता है आमतौर पर टेक्नोलॉजी डेवलप करते हुए जब आप यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आप ध्यान से देखें कि एप्पल में और एंड्रॉयड में जो डिफरेंस है वो तो सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस का है इसके अलावा कोई फर्क नहीं बहुत साल पहले मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगा मुझे मर्सिडीज कभी पसंद नहीं आती थी उसकी वजह एक ही थी मैं टेक्नोलॉजी वाला आदमी था तो मैं जब देखता था उसमें कोई फीचर ही नहीं था जब फीचर की बात करता था तो वो कहते थे यार मर्सिडीज है करेक्ट बट मुझे वो पसंद नहीं आती थी फिर ये सोचा यार कि सब लोग मर्सिडीज क्यों तो खरीद लेते हैं एक बार खरीद के देखते हैं जब मर्सिडीज खरीदी तो ये समझ में आया काफ़ी टाइम के बाद कि यार मर्सिडीज में वो सारी चीज़ें कई साल पहले थी और वो जो एक यूजर एक्सपीरियंस वो दे रही थी सालों से वो उसको पब्लिश नहीं कर रही थी तो इसी तरीके के प्रोडक्ट वो सारी चीज़ें हम एक यूजर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं अमेजिंग अमेजिंग so, रमन जी मुझे तो आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा आनंद मिला है आई एम प्रेटी श्योर कि हमारे ऑडियंस को भी काफी सीखने मिला सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मैं आपका बहुमूल्य समय दिया एंड गाइज अगर आप लोग चाहते हैं कि आ, आने वाले समय में जब सर के पास समय हो आने वाले समय पर हम कभी ईवी इंडस्ट्री के बारे में और इनडेप्थ बात करें इनके मार्केट बिकॉज अभी तो हमने इनका सिर्फ टेन परसेंट ज्ञान लिया हुआ है एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज्यादा चीजें बाकी हैं तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो कमेंट्स में ईवी जरूर लिखिएगा लाइक जितना हो सके कीजिएगा एंड थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच थैंक यू